भाई, उत्तराखंड पुलिस का आज साइबर टकर का ट्रायल है और पूरी 46 बटालियन में तैयारी है और हमारे उधम सिंह नगर के बच्चे डेमो करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, जो हमारे उत्तराखंड के जो नेशनल खेलते हैं उत्तराखंड टीम से, ये छात्राएं हैं, ये लोकेश पांडे की टीम है पूरी। ये हम लोग सब यहाँ उत्तराखंड पुलिस को कुछ डेमो दिखाएंगे इसके, जिससे कि वो लोग कुछ सीख सकें। ये ग्राउंड बना रखा है, पूरे गेम चल रहे हैं और ये जो सारे खिलाड़ी हैं ये पुलिस के खिलाड़ी हैं जो कि सेपर टकरा नए गेम में जुड़ने जा रहे हैं। ये ट्रायल देने के लिए आए उत्तराखंड पुलिस। इस बार अखिल भारतीय खेलकूद होंगे पुलिस के, जो दिल्ली में होने हैं उसमें प्रतिभाग करेगी। और ये जगदीश हैं जो अभी ब्रॉन्ज मेडल इंडिया में जीत के आए हैं डबल इवेंट में पुलिस विभाग के। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये नया गेम में, क्या है आपको कैसा? बहुत एक्साइटेड है सर, बहुत ही बढ़िया गेम है। क्या कहना चाहेंगे सेपर टकरा के लिए? सर ये नया गेम है और हम चाहेंगे कि इसमें हम अच्छा हो। अच्छा पता चलिए, आप लोग खेलें और अभी यहाँ टीम हो जाएगी, इसके बाद क्लोज करवाएंगे टीम हम, और हम चाहेंगे कि इसका कैंप लगे और सेपर टकरा फेडरेशन इसमें सहयोग करेगी। और हमने आभार व्यक्त करते हैं डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार जी का, जिन्होंने ये गेम इसमें इंक्लूड किया। नीलेश भरणे जी डीआईजी साहब का आभार व्यक्त करेंगे कि इन्होंने ये गेम लिया। आशा ये गेम आगे बढ़ेगा। अब मैं उत्तराखंड के बारे में बता दूं कि उत्तराखंड हमारा जूनियर में भी और सीनियर में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है ऑल इंडिया खेलों में। ये ग्राउंड पुलिस विभाग ने बना रखा है, ग्रासी कोर्ट है। ये गौरव जोशी जो है ना एस कोच है, वो ग्राउंड देख रहे हैं, देखिए पूरा। और कमांडेंट साहब का इंतजार है, वो आने वाले हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि सेपक टकरा खेल हमारे उसमें आगे चलता रहे। आप देखते रहिएगा।